हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा एनेस्थीसिया। तो क्या होता है एनेस्थीसिया, कैसे इसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे ये आपकी बॉडी पर एक्ट करता है, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट और इम्पोर्टेंट जो नॉलेज होती है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जाइए जल्दी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया टर्म ओडब्ल्यू होलमोन्स ने दी थी, जिसमें एन का मतलब होता है विदाउट और एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। तो विदाउट सेंसेशन को एनेस्थीसिया बोला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अवेयरनेस दैट इज इंड्यूस्ड फॉर मेडिकल पर्पस, उसे एनेस्थीसिया बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें सारे एनाल्जेसिक आते हैं, पैरालिसिस, एमनेसिया एंड अनकॉन्शियसनेस। तो ए पर्सन अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग इज रेफर टू बी एन एनेस्थाइज्ड। तो दोस्तों, आपको अगर एनेस्थीसिया का पता चल गया, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसको ब्रॉडली टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है जनरल और दूसरा होता है लोकल। तो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस होती है हर एक सर्जिकल प्रोसीजर में। तो अगर कभी आपने कोई भी ऑपरेशन करवाया है, तो आपको जब वो ऑपरेशन करते हैं तो आपको ऐसी ड्रग दे देते हैं जिससे आप बेहोश हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं पता होता कैसे उन्होंने आपकी बॉडी को ट्रीट किया है, वही ड्रग को बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। तो एक होती है जनरल, दूसरी होती है लोकल। तो जनरल का मतलब होता है जब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन आपकी पूरी बॉडी में देखने को मिले, तो हर एक पार्ट बॉडी का उसमें आपका अनकॉन्शियस हो जाता है। लोकल का मतलब होता है जब लॉस ऑफ सेंसेशन किसी लिमिटेड एरिया में हो और आपकी बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उस पर कोई भी इफेक्ट ना करे। तो लोकल एनेस्थेटिक के कुछ एग्जाम्पल है लिग्नोकेन, प्रोकेन और कोकेन। तो अगर आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे हम इन्हें अपनी बॉडी में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में बात कर लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक की। तो जनरल एनेस्थेटिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, डिपेंडिंग अपॉन दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस रूट से उसे देना चाहिए, उससे फर्दर टू क्लासेस है, फर्स्ट इनहेलेशन से और दूसरी आईवी रूट से। तो इनहेलेशन में हम देखेंगे कि इसमें हम लिक्विड भी दे सकते हैं और गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, और बाकी जो बच गई उसे हम आईवी रूट से देंगे, जिन्हें हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक वे से नहीं दे सकते, इनके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनहेलेशन जो आपके एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसकी जैसे मैंने बताया दो होती हैं, एक है वोलेटाइल और दूसरा है गैसियस। वोलेटाइल में आपके लिक्विड आते हैं और गैसियस में गैस एनेस्थेटिक आते हैं। इन्हें फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ कि कौन से का मेजर यूज़ किया जाता है, कौन से के माइनर यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक की। तो मेजर यूज़ में आते हैं हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। माइनर यूज़ में आते हैं डाईथाइल ईथर, मिथॉक्सीफ्लोरेन और क्लोरोफॉर्म। सेकंड बात करते हैं गैसियस इनहेलेशन एनेस्थेटिक की। इसमें मेनली मेजर यूज़ किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और माइनर यूज़ किए जाते हैं जिनोन और साइक्लोप्रोपेन। तो दोस्तों, ये थी प्लेलिक क्लासिफिकेशन। ये सभी ड्रग्स आप जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप ये बॉडी में दोगे तो आपकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी और फिर मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन प्रोसीड करते हैं। तो मोस्टली हमारी बॉडी में जनरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लोकल होता है वो सिर्फ कुछ ही बॉडी पार्ट को अनकॉन्शियस कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड, पैरेंटल एनेस्थेटिक, जिसे हम आईवी रूट से दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें तीन टाइप आते हैं, पहला है बारबिट्यूरेट, सेकंड है नॉन बारबिट्यूरेट्स नॉन डिसोसिएटिव और थर्ड है डिसोसिएटिव। तो ये जनरल एनेस्थेटिक की फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो बारबिट्यूरेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। सेकंड है नॉन बारबिट्यूरेट्स नॉन डिसोसिएटिव, तो जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो बारबिट्यूरेट्स का नहीं होगा और वो डिसोसिएट भी नहीं होंगे जैसे उन्हें बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। थर्ड आते हैं डिसोसिएटिव, ये क्या होते हैं, जैसे बॉडी में जाते हैं ये डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होने के बाद ही ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब इन सभी के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बारबिट्यूरेट। तो बारबिट्यूरेट्स के हैं थायोपेंटल, थायोएमाइलल, थायल बारबिटोल, मिथोक्सोहेक्सिटल और पेंटा बारबिटोल। सेकंड है नॉन बारबिटोल नॉन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, इसमें फर्दर क्लासिफाई किया गया अगर फिनोल डेरिवेटिव है तो प्रोपोफोल और फोस्प्रोपोफोल। सेकंड है इमिडाजोल रिंग है तो उसके डेरिवेटिव होंगे इटोमिडेट और मीटोमिडेट। थर्ड है स्टीरोइड एनेस्थेटिक है तो इसके एग्जांपल है सेफन और अल्फा सेलोन डी। उसके बाद आते हैं आपके इसी का फर्दर, अगर बेंजो डाइजापिन है तो उसमें डाइजापिन, लोराजेपिन और मेटाजेपिन। डिसोसिएटिव में एक इम्पोर्टेंट है केटामाइन, जो कि आपको क्लिनिकल केसेस में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड आते हैं लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का फर्दर क्लासिफाई है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंटेनिंग लिंकेज ग्रुप। तो दोस्तों इसका तीन क्लासेस है, पहली है एस्टर, दूसरी है अमाइड और तीसरी है इथर और कीटोन। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक साइड होता है हाइड्रोफिलिक, एक साइड होता है लिपोफिलिक। बीच में जो आपका लिंकेज होगा उस पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एस्टर में आते हैं प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन और कोकेन, क्लोरोप्रोकेन और डाइमिथाकोन। सेकंड आता है अमाइड ग्रुप, लिडोकेन, प्राइलोकेन, बुविपोकेन और लिवोबुविकेन। थर्ड आते हैं इथर, इसमें है प्रेमिकोन और डाइक्लोनाइड्स। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आपने पेन और कॉपी में ऐसे ही आप इसे लिख लेंगे और डेली रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।